Hello, my dear students. Welcome to this social science class. And today we'll continue with the topic how to create more employment. In the last video, we have discussed about the disparity that exists in our economy regarding the contribution of different sectors in economy and the employment that they are generating. जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज अबाउट 1/6 ऑफ द GDP एंड इट इज एम्प्लॉइंग अबाउट हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, वेयर एज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द GDP इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, वेयर एज दे आर नॉट गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू मच ऑफ द पीपल. लेस देन हाफ ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इन बोथ द सेक्टर्स. ठीक है, so how can we improve the situation or how can the employment be generated? In the last video we have also discussed about underemployment or disguised unemployment, jisme humne dekha ki jo people hain they are not employed according to their full potential, jiski wajah se unka jo contribution hota hai GDP mein wo kam ho jata hai. to usko kaise improve kiya ja sakta hai, that we are going to study in this video. theek hai, तो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर हाउ टू इम्प्रूव द हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट इज टेक्निकल मेजर्स. सम टेक्निकल मेजर्स कैन बी टेकन, लाइक द इरीगेशन फैसिलिटीज कैन बी इम्प्रूव्ड, हाइब्रिड सीड्स कैन बी प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स, और इवन दे कैन बी टॉट टू बिकम मोर अवेयर अबाउट द वेरियस मॉडर्न टेक्निक्स दैट आर नाउ अवेलेबल फॉर फार्मिंग. तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से जो ग्रोथ है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है. लाइक जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं लक्ष्मी का. लक्ष्मी हैज़ अनइरिगेटेड लैंड. उसके पास जो 2 हेक्टेयर की लैंड है वो अनइरिगेटेड है, इसलिए वो उस पर उतनी उसका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है जितना कि एक इरीगेटेड लैंड पर होगा. तो सपोज़ वी आर प्रोवाइडिंग इरीगेशन फैसिलिटीज़ टू लक्ष्मी, देन शी विल बी एबल टू grow more crops than she can even grow another crop, like in rabi season she can grow wheat. to jiski wajah se kya hoga, more people will be employed in her own farm. jo 2 members hain jo dusre ke farm par jaakar work kar rahe hain, now they will be getting work in their own farm, like irrigating the fields, harvesting the crops, sowing the seeds, applying fertilizers. there is a lot of work. ek according to an estimate कि एक जो ये लैंड है, लक्ष्मी का लैंड है, इट कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर 2 पीपल फॉर 50 डेज. इफ इट इज़ एन इरीगेटेड लैंड, अगर इरीगेटेड लैंड है तो वो 2 लोगों को 50 डेज तक एम्प्लॉयमेंट दे सकता है एक क्रॉप का प्रोडक्शन. तो दे विल गेट द एम्प्लॉयमेंट इन देयर ओन फील्ड. सी, तो प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगा. समझ में आ रहा है? तो दीज आर द टेक्निक्स विच कैन बी यूज टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन. नाउ कंस्ट्रक्शन वर्क नियर द रूरल एरियाज, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, लाइक इफ़ देर इज़ अ डैम कंस्ट्रक्शन नियर द रूरल एरिया और अलॉन्ग द रिवर फ्रंट, और इफ़ देर इज़ अ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड और चैनल्स, तो डेफिनेटली द पीपल इन द प्राइमरी सेक्टर, द पीपल इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर विल गेट जॉब्स देयर एंड दे विल बी एम्प्लॉयड फॉर सम और द अदर पीरियड ऑफ द टाइम. सो दिस विल ऑल्सो जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल. लाइक इम्प्रूविंग द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. वॉट इज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट द कनेक्टिविटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया. सपोज लक्ष्मी इज ग्रोइंग मोर क्रॉप, शी इज प्रोड्यूसिंग मोर, देन शी हैज़ टू सेल दीज क्रॉप्स टू सम मार्केट. देन देयर शुड बी गुड रोड्स, देयर शुड बी कनेक्टिविटी बिटवीन हर विलेज एंड द मार्केट प्लेस विच आर मोस्टली इन द अर्बन एरियाज. तो ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, ये रोड्स डेवलप करना, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सो दैट द पीपल कैन ईजिली सेल देयर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन. जो भी उनके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है वो उसको मार्केट में जाकर सेल कर सकें. सिमिलरली दीज विल प्रोड्यूस और जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर अदर सर्विस प्रोवाइडर्स. लाइक अगर वहाँ पर ट्रक्स आ रहे, मिनी ट्रक्स में सामान जा रहा है, तो इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर द ट्रक ओनर्स, फॉर द ट्रक ड्राइवर्स, फॉर द स्टोरेज फैसिलिटीज विच आर इन बिटवीन द रूरल एंड अर्बन एरियाज. अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो वो स्टोरेज फैसिलिटीज भी चाहिए होगी फॉर फिर ट्रेडिंग होगी उनकी, मार्केट में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. सो दीज आर द थिंग्स विच विल इंक्रीज, जो प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ जुड़े हुए रहेंगे और वो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे. आ रहा है समझ में?
Now, bank credit facilities. Suppose if the irrigation facilities are provided by the government, then also the Lakshmi will require some modern equipments like harvester or a tractor or some hybrid seeds, fertilizers. This means that agriculture does not only demand irrigation. Agriculture mein aur bhi bahut sari supporting cheeze chahiye hoti hain so that the production can be increased. So for buying these facilities for herself, Lakshmi needs money. And for that, if she is taking credit from some money lender or some local person, then she will have to give more interest for that. So उसको अल्टीमेटली वो प्रोडक्शन जो उसका इंक्रीज भी हो रहा है वो उसको बहुत महंगा पड़ेगा क्योंकि उसने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन उठाया हुआ है. सो देयर इज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड चीप बैंक क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर. आ रहा है समझ में? जिससे कि उनको लो इंटरेस्ट ऑफ रेट पर लोन मिल जाए सो दैट दे कैन बाय इक्विपमेंट्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, एंड दे कैन इंक्रीज देयर प्रोडक्शन. They can increase their productivity of land. Aa raha hai samajh mein? So this is very, very important. Now, small scale industries. Small scale industries, what does this mean? That apart from promoting the productivity of the people, productivity badhane ke saath saath, the government can encourage the people in the primary sector to set up small scale industries. Like suppose in an area, wheat is produced in large amount. So what is the possibility of a small scale industry? A dal, flour mill can be established there so that the jo farmers hain unhe bahut dur na jana pade apna produce bechne ke liye, and they can save their money which they'll probably spend on their transport, on the storage. Wo sab mein jo apna paisa kharch karne wale the wo to save ho gaye, and they will get nearby industries to sell their wheat. Similarly, if the dal production is more, to dal ke liye dal mill can be established aur bahut sare logon ko isme employment bhi milega, and also it will save the money which the farmer is spend to sell their to move to far off places, to travel to far off places to sell their production. तो वो मनी भी उनका सेव होगा. इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो. सपोज जो पोटैटोस अगर बहुत लार्ज अमाउंट में उग रहे हैं तो पोटैटो के फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए जा सकते हैं, लाइक चिप्स इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, स्वीट पोटैटो का इंडस्ट्री लगाई सकती है. तो दीज आर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विच शुड बी एनकरेज, क्योंकि दीज विल नॉट ओनली जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर मेनी पीपल, इट विल ऑल्सो यूटिलाइज द एक्स्ट्रा प्रोडक्शन दैट इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर्स. आ रहा है समझ में? जो ज़्यादा प्रोडक्शन फार्मर्स कर रहे हैं वो भी यूटिलाइज होगा, और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा जो कि आसपास के एरियाज के ही होंगे. जो इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी तो वो रूरल एरिया से ही लोगों को एम्प्लॉय करेंगे. तो इट विल गिव एनकरेजमेंट टू द पीपल इन द प्राइमरी सेक्टर टू मूव टू दिस दीज इंडस्ट्रीज एंड गेट एम्प्लॉयड देयर. अरे समझ में? Now, promotion of allied agricultural activities. Allied agricultural activities मतलब जो कि agricultural activities के साथ साथ भी लोग कर सकते हैं. Like if a person is doing farming, he can also get involved in dairy farming or animal husbandry, or the people who are living near the forest, they can do honey collection कर सकते हैं. वो wild honey को collect करके उसको sell off कर सकते हैं. Similarly, bee farming is a very good option for the people in the primary sector. तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कि इसके साथ साथ किए जा सकते हैं, लाइक फार्मिंग के साथ साथ उनको प्रमोट किया जा सकता है. तो दीज एग्रीकल्चरल एलीड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ शुड बी प्रोमोटेड बाय द गवर्नमेंट. उनको एनकरेज किया जाना चाहिए, उनको उसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए सो दैट दे कैन स्टार्ट अप देयर ओन बिजनेसेस. नाउ देयर कैन बी इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन एज वेल एज इन other sectors of the economy. Like we'll discuss it. According to an estimate, according to a survey, there are about 48% people in our country, 48-49% children in our country who are not getting educated in schools, जो कि school में नहीं जा रहे हैं. 5-29 years की जो population है उसमें से 51% rather 51%, it's given in your book, 51% jo children hain, they are not going to any formal education, they are not getting any formal education, that means they are not going to schools.
So if they are being educated, the government tries to educate them, then there will be a lot of employment generation, क्योंकि बिल्डिंग्स चाहिए होगी, टीचर्स चाहिए होंगे, स्टाफ चाहिए होगा, बहुत सारे दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है. जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी, फिर स्कूल बन जाएंगे, तो टीचिंग स्टाफ होगा और दूसरे तरह का स्टाफ होगा, तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल बाय इम्प्रूविंग द एजुकेशन सेक्टर. सिमिलरली द हेल्थ सेक्टर भी इस तरह का अगर डेवलपमेंट होता है हेल्थ, बिकॉज आर कंट्री इज़ फार बिहाइंड. जो एक प्रॉपर एक डेवलप्ड कंट्री का जो हेल्थ स्टेट जो डेटा होना चाहिए हेल्दी पीपल का, वो हमारी कंट्री अभी तक नहीं पहुंच पाई उस तक. तो हेल्थ सेक्टर को अगर इम्प्रूव किया जाता है तो भी बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. लाइक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं गाँव में, तो वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो कहाँ से पिकअप किया जाता है, वो गांव में से ही लोगों को चुनकर उनको ट्रेन करके उनको हेल्थ वर्कर्स बनाया जाता है. क्योंकि डॉक्टर्स और नर्सेज तो स्पेशलाइज जॉब्स हैं, वो तो गांव से नहीं बन सकते. जो ट्रेन जो उनको ट्रेनिंग देते हैं, ऐसे जो डॉक्टर्स होते हैं नर्सेज होते हैं, वो गांव के लोगों को ट्रेन करके उनको हेल्थ वर्कर्स की तरह बना देते हैं, और जो लोग हैं उनको इस तरह से एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है. तो बट इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जो अगर हेल्थ सेक्टर्स को इम्प्रूव किया जाए तो बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है. नीति आयोग है एक जो प्लानिंग कमीशन हुआ होता था पहले, देयर इज़ अ डिपार्टमेंट कॉल्ड प्लानिंग कमीशन अंडर द गवर्नमेंट, जिसका नाम बदल के अब नीति आयोग कर दिया गया है. अकॉर्डिंग टू इट्स एस्टिमेट देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी इन एवरी एरिया फॉर इम्प्रूविंग द देयर इकोनॉमिक स्टेटस. वहाँ की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारा पोटेंशियल हर एरिया में होता है. कोई एरिया बहुत टूरिज्म की तरह डेवलप किया जा सकता है, कोई कहीं पर रीजनल क्राफ्ट्स ऐसे होते हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है, जिनको बढ़ावा देकर उनको एनकरेज करके उनको पैटर्नाइज करके उनको बड़े स्केल पर प्रोडक्शन किया जा सकता है. सिमिलरली आईटी इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है अभी इम्प्रूवमेंट का, उसको डेवलप करने का. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप इन एवरी एरिया फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, लाइक टूरिज्म, रीजनल क्राफ्ट्स, डेवलपिंग सम आईटी इंडस्ट्रीज, न्यू सर्विसेज लाइक आईटी इंडस्ट्री. ये भी आईटी सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा जॉब एम्प्लॉयमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती है. सो दीज आर द थिंग्स. इवन देयर एन अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग जो टूरिज्म है, टूरिज्म सेक्टर इज हैज सो मच पोटेंशियल दैट इट कैन अलोन कैन गिव एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 35 लाख पीपल इन आर कंट्री. हमारी कंट्री में वो अगर टूरिज्म को डेवलप किया जाए तो इट कैन गिव एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 35 to 36 lakhs पीपल, तो विच इज़ अ वेरी वेरी बिग स्कोप फॉर द पीपल टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन टूरिज्म इंडस्ट्री. तो ये चीज़ें हैं जिनको कि गवर्नमेंट कर सकती है और कर रही है, स्कीम्स लेकर आ रहे हैं जिससे कि और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जा सकें, जो पहले से उसमें प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया जा सके, जिससे कि लोग जो हमारा जीडीपी है ग्रोथ हो उसका और हमारी इकोनॉमी डेवलप हो. बट इन ऑल दीज थिंग्स जो भी हमने ये सब अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करने की के बारे में जो पढ़ा है, इट विल टेक टाइम, उसमें बहुत कुछ साल लगेंगे. सो फॉर जो अभी एट प्रेजेंट जो सिनेरियो है उसमें जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है उसे इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्कीम है, और वो 2005 में लॉन्च किया था, और उसका नाम क्या है, मनरेगा 2005 के नाम से ही उसको मेंशन किया जाता है, MGNREGA 2005. ठीक है, पहले उसका नाम केवल नरेगा था, नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, बट बाद में उसमें महात्मा गांधी के नाम से उसमें MG ऐड कर दिया गया, एंड नाउ इट्स कॉल्ड मनरेगा. ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एंड इट वाज पास्ड इन 2005, एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड मनरेगा 2005. तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, दैट द पीपल will get, the unemployed people will get employment. There is a guarantee that the unemployed people will be provided employment for at least 100 days for one person in a family. Ek family se jo gareeb log hai, for the poor family who one person will get employment for at least guaranteed employment. Employment
को क्या कर रही है गवर्नमेंट, गारंटी कर रही है दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर टू फॉर अबाउट 100 डेज इन अ ईयर टू वन मेंबर ऑफ अ फैमिली ऑफ अ पुअर फैमिली. ठीक है, इसके लिए रजिस्टर किया जाता है. द पंचायत हैव बीन प्रोवाइडिंग द कार्ड्स for registration cards for the people. It is the responsibility of the panchayat to provide the registration card to the people for this manrega scheme. Aur iske behalf par har vyakti ko, har poor family ke ek vyakti ko 100 din ka employment government guarantee karti hai. Aur if in case the government is not able to provide this employment, the government will give them unemployment allowance. आ रहा है समझ में? अगर गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करने में नाकाम रहती है, अनसक्सेसफुल होती है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है. सो दिस इज़ अ स्कीम विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द पुअर पीपल, और ये किया जा रहा है फॉर द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज, बिकॉज इट्स बीन मेंशनड हियर दैट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दिस Act ensures the person's right to work. This satisfies the provision of the government. Jo constitution mein ek right hai, the right to work. Every person has the right to work and has the right to earn his own living. Us right ko satisfy karta hai ye MNREGA Act. Aa raha hai samajh mein? इसमें क्योंकि हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार है, अपनी ज़िंदगी के लिए जीविका कमाने का अधिकार है. सो गवर्नमेंट सेटिस्फाइज दिस राइट बाय प्रोवाइडिंग दिस एक्ट टू द गवर्नमेंट टू द पीपल पुअर पीपल, और अगर वो नहीं करवा पाती तो वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उनको दिया जाता है. सो सिमिलर स्कीम्स कैन बी लॉन्च्ड इन द सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शियरी सेक्टर ऑल्सो. कैजुअल वर्कर्स के लिए दीज आर विल स्टडी देम इन फर्दर वीडियोस कि ये अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो काम है. तो इस तरह की स्कीम्स लेकर आना आ रही है गवर्नमेंट, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट को नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए और जीडीपी को इम्प्रूव किया जा सके, जीडीपी जो है वो उसको बूस्टअप किया जा सके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक. वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक. अब हमारे दो टॉपिक्स बचे हैं इसमें, division of or classification of the sectors on the basis of employment conditions of employment, uske hisab se hum organized aur unorganized sector padhenge, and classification of the sectors on the basis of ownership jisme hum private or public ownership padhenge. Theek hai, so rest we'll take in the next videos. Thank you for now.